यस हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं अनुप गुरुकुल में। और आज मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा ये हमारा जो शानदार माइक है, बोया माइक बोलते हैं, जो जनरली यूज़ करते हैं यूट्यूबर वाले। बेसिकली बोया, ये जस्ट आप देखो, ये बोया का बॉक्स है जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन आपको फ्रंट पे ही लिखा हुआ है बोया, और सारा जो मॉडल है इसका M1, और ये जो सपोर्ट करता है ये आपका मोबाइल के साथ, लैपटॉप, कैमरा, सभी के साथ ये माइक्स आपका सपोर्ट करेगा। और इसके पीछे आपको सारा स्पेसिफिकेशन और फीचर्स डिटेल में दिया हुआ है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो, सारा डिस्क्रिप्शन बैक साइड में बॉक्स के पीछे दिया हुआ है। चलो अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, अंदर क्या क्या है। जस्ट लाइक जब आप निकालोगे तो ये एक स्मॉल पाउच है, इसके बाद आपको एक बड़ा पाउच मिलेगा, और इसके अंदर आपको कुछ छोटा सा कॉपी मिलेगा जिसमें सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपको कैसे इसे यूज़ करना है सब कुछ, आप इसे अच्छे से पढ़ के कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी आप इजीली कर सकते हैं। ये आपका कुछ वारंटी कार्ड्स है जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन रहेगा कंपनी के थ्रू। और नाउ अभी जस्ट ओपन करते हैं ये बड़े पाउच को, खोलते हैं। इसमें आपको ये देखो, ये आपका बोया M1 माइक है। जस्ट ये आपका जस्ट इसमें आपका रहेगा, ये आपका रहेगा। इसमें क्या करना है, ये छोटा सा माइक पाउच है, इसको भी खोल लो। इसमें आपका क्या क्या है जस्ट हम लोग देखते हैं अंदर क्या क्या है। ओके, ये सारा जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें है, ये बैटरी है, ये एक कवर है आपका माइक का। ये कवर कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ अगर ज़्यादा नॉइजी एरिया है, जहाँ हवा बह रहा है, या कहीं सी शोर में या नदी के किनारे अगर आपको कुछ कहना है, तो दैट टाइम यू कैन यूज़ दैट कवर अबव द माइक्रोफोन, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसके। ये कनेक्टर है, जब आप लैपटॉप यूज़ करोगे तो उस समय ये कनेक्टर वहाँ इस्तेमाल होगा। ये आपका पिन है जिसको आप जब आप माइक यूज़ करेंगे तो आपको इसको इस्तेमाल करना रहेगा कॉलर में, अपना कॉलर में कैसे हैंग करना है आपको माइक को, तो ये जस्ट यहाँ पे आप इसको फिट कर सकते हैं इस तरह से। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेटल बॉडी है, ये टोटली जो दिख रहा है ये मेटल बॉडी है, और ये प्लास्टिक का होता है जो यहाँ पे जाके फिट होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा है, इसमें आप फीचर्स देख रहे हो, कैमरा एंड स्मार्टफोन। इसमें दो मोड दिया हुआ है, अगर कैमरा के थ्रू आपको कनेक्ट करना है तो आप इसको ऊपर की ओर कर सकते हैं, और जब आप स्मार्टफोन में कनेक्ट करेंगे तो आप इसको नीचे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको भी अब लाओ, इसको हम लोग खोलते हैं। ये खोलने के बाद इसमें क्या देखते हैं हम लोग को, जस्ट लाइक इसमें बैटरी फीड करने का ये जगह है, और एक रिबन है। ये रिबन क्यों दिया गया है ये हम आपको बताएंगे, रिबन का पर्पज़ क्या है यहाँ देने के लिए। ये बैटरी है, ये बैटरी जब हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे तो फिट करने से पहले रिबन को इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर हम लोग बैटरी को यहाँ डालेंगे। ओके, रीज़न ये है, बैटरी इसके ऊपर रिबन को इस तरह से रख के बैटरी डालने का, ताकि जब आपको बैटरी निकालना रहेगा तो आप इजीली बैटरी वो निकल जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप इसको रिबन को नहीं निकालेंगे इसके अंदर से और इसी के ऊपर बैटरी रख के अगर आप अंदर कर देंगे, तो उस समय फिर बैटरी जब आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय आपको निकालने में प्रॉब्लम होगा, तो आप फिर कुछ यूज़ करेंगे पिन या कुछ नोकीली चीज़ जो आपको डैमेज करेगा आपका इंटरनल ये माइक का। तो इसलिए ये काफ़ी संभाल के जब भी आप लो तो ये रिबन को बाहर निकाल के इस तरह से रखना है आपको, और बैटरी को फिर इस तरह से इसमें डाल के आपको सेम लाइक है कवर बंद कर देना है। ये इसका फंक्शन कंप्लीट हुआ। ये काफ़ी लंबा वायर है, आपको कनेक्ट कहाँ से करना है इसलिए इतनी लंबी वायर आपको दी हुई है इसके साथ, ताकि ईजिली आप जहाँ पर भी स्मार्टफोन रख सकते हैं, जितने भी डिस्टेंस में रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इतनी लंबी केबल दी हुई है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर होते हैं ये सारा बोया M1 माइक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका क्वालिटी ऑफ साउंड काफ़ी अच्छा होता है, और जो साउंड का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, दूसरे माइक में आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगा जो बोया माइक में मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको आपको आपके लिए अनबॉक्स किया आज, और आपको कुछ नॉलेज फॉर दी अबाउट द माइक आपको शेयर किया हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा,
और कुछ नॉलेज मैं आपको दे सका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।